वज़ीर-ए-आला पंजाब ने शेखुपुरा में एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत माली इमदाद तकसीम करने के सेंटर का दौरा किया। सरदार उस्मान बुज़ान ने सेंटर पर माली इमदाद की तकसीम के अमल का जायजा लिया। मुस्तहिक खातीन को हर तरह की सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी जारी की। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़ार ने मुस्तहिक खातीन से सेंटर में फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर उस्मान बुज़ार ने सेंटर में मौजूद खातीन से गुफ्तगू करते हुए कहा, सेंटर में आने वाली खातीन के लिए समाजी ताकत बरकरार रखने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। 12,000 रुपए की माली इमदाद आप पर एहसान नहीं बल्कि आपका हक है। बादशाह वजीर आला पंजाब की जेर सदारत शेखुपुरा में आला सतह का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कोरोना की वबा से निमटने के इकदाम, इंसदादे रेंगी, गन्नों खरीदारी मुहिम, अमनो अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। उस्मान बुज़ार ने सियासी और इंतजामी टीम को मजीद मुतहरिक अंदाज में फराइज सर अंजाम देने की हिदायत की। उस्मान बुज़ार ने मजीद कहा की आजमाइश की घड़ी में आवाम को किसी सूरत हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। नुमाइंदे और इंतजामी अफसरान मुतासर अफराद को रिलीफ फराहम करने के लिए कोई कसर उठा न रखे, ये वक्त आवाम के साथ शाना बशाना खड़े होने का है। सुबाई बुजरा डॉक्टर यासीन राशिद, मियां महमूद रशीद, खालिद महमूद, अराकीन असेंबली कमिश्नर लाहौर डिवीजन और जिलाई हुकाम ने इजलास में शिरकत की।